सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, री डाउनलोड करना चाहते हैं यूपी कॉप एप्लीकेशन से, तो उसे कैसे डाउनलोड करें। एंड अगर आप लोग लॉग इन कर रहे होंगे तो आपका वहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा होगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज़ अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर रहे होंगे तो रीसेट किया हुआ पासवर्ड नहीं आ रहा होगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओके, सो चलिए बारी बारी से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो उसके लिए हम अपने यूपी कॉप एप्लीकेशन में आएंगे, जो आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, एंड ईजिली से आप ओपन करेंगे तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया है, पहले इसे लॉग आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अगर अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के लिए आप कहीं भी जाएंगे तो पहले आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगिन करेंगे, मतलब ओटीपी आता है, ओटीपी नहीं आ रहा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकंड, पासवर्ड रीसेट करना बताएंगे। उसके बाद लॉगिन करके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रीडाउनलोड करना सिखाएंगे कि कैसे रीडाउनलोड करते हैं। ओके, एंड बहुत सारे लोग तो रीडाउनलोड करना जानते होंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेन पर्पज़ है कि लॉगिन करने में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, यही मेन प्रॉब्लम है यहाँ का। ओटीपी नहीं आ रहा है और पासवर्ड जो रीसेट करने पर नया पासवर्ड नहीं आ रहा है, यही मेन प्रॉब्लम है बस। ओके, सो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड, इस पर क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो देखते हैं कि ओटीपी आता है कि नहीं। यहाँ से हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वेट करते रहेंगे, लेकिन ओटीपी यहाँ पे पॉपअप पे, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे नहीं आएगा। आप लोग 22 सेकेंड है, यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ओके, सो देख सकते हैं अभी तक हमारा ओटीपी नहीं आया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ओटीपी आता है लेकिन यहाँ पे पॉपअप पे आपने या तो नोटिफिकेशन ऑफ़ किया होगा या फिर और कोई इशू होगा, लेकिन यहाँ पे पॉपअप पे नहीं आया तो ऐसा मत समझिए कि ओटीपी नहीं आया, ओटीपी आता है। आप एक बार मैसेज एप्लीकेशन में जाके देखिए, यहाँ से हम मैसेज एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो देख सकते हैं मैसेज एप्लीकेशन में ओटीपी हमारा आया है। यहाँ से देख सकते हैं वन टाइम पासवर्ड 9:33 पर, यहाँ पे 9:34 अभी हो रहा है, यानी एक मिनट पहले ही ओटीपी हमारा आया है 5562। ओके, चलिए मैं इन्हें तीनों को डिलीट कर देता हूँ, एक बार फिर से ओटीपी मंगा के आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया है एंड फिर से मैं आपको ओटीपी मंगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ से गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तुरंत मैं मैसेज एप्लीकेशन में जाके देखता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं तुरंत ही ओटीपी आ गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मतलब आपका कहीं से नोटिफिकेशन ऑफ होगा या फिर अदर कोई इशू होगा। आप एक बार मैसेज एप्लीकेशन में जाके देखेंगे तो ओटीपी आपको दिखेगा। अब सेकंड प्रॉब्लम, पासवर्ड रीसेट करना है। ओके, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बोलता है कि, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यू विल गेट ए न्यू पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड VI SMS। आप ईमेल आईडी भी जाके देखते होंगे, यहाँ पे जैसे कि आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे सबमिट किया, आपका पासवर्ड ईमेल आईडी पे चला होगा। आप जाके ईमेल आईडी भी देखते होंगे, नहीं मिल रहा होगा तो आप एक बार मैसेज एप्लीकेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, मैं आपको मैसेज में आपके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, डियर यूज़र योर पासवर्ड हैज़ रीसेट काइंडली यूज़, देख सकते हैं आपका पासवर्ड रीसेट होके आ गया है। यहाँ पे पॉपअप पे भी नहीं आ रहा है मैसेज, मैंने आपको पहले भी बताया या तो नोटिफिकेशन ऑफ होगा या फिर अदर कोई इशू होगा। ओके, तो आप एक बार मैसेज एप्लीकेशन में जाके देखेंगे तो आपको ओटीपी और पासवर्ड दोनों, मतलब ओटीपी आएगा और रीसेट किया हुआ पासवर्ड भी आएगा। ओके, तो आपका तीनों प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ओटीपी का और पासवर्ड रीसेट का। ओके, सो चलिए मैं एक बार लॉगिन करके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रीडाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ओके, सो देख सकते हैं तुरंत ओटीपी आ रहा है, 11:23 हमारा ओटीपी है, 11:23। ओके, सो देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो गया है। अब डाउनलोड करने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे जाएंगे हम सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विसेज में अपना
जो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर यानी किस ईयर में आपने अप्लाई किया था, मैंने 2022 में किया था। और या फिर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं पता है तो किस ईयर में अप्लाई किया था वो डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये पहला वाला स्वीकृति हुआ है, देख सकते हैं ये स्वीकृति, बाकी ये सब रिजेक्ट हो गया है। ओके, सो मैं जो स्वीकृति उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा और इजीली हमारा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो गया। मैं इसे अब ओपन करता हूँ और मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का है। अगर आप इसे बनाना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये था इस वीडियो को बनाने का कि जो OTP नहीं आ रहा था या फिर OTP आ भी रहा था तो लोग मैसेज में एप्लीकेशन जाके देखते नहीं थे, केवल नोटिफिकेशन देखते थे कि पॉपअप आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बार बार वो OTP क्लिक करते थे लेकिन उन्हें पॉपअप दिखता ही नहीं था, लेकिन वो मैसेज में जाकर देखते ही नहीं थे। ओके, सो मेन पर्पस हमारा यही था कि OTP का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करना था। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें मतलब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे जो भी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।